सब्सक्राइब कीजिए जी किसान चैनल को खेती किसानी से जुड़ी जानकारी यूट्यूब पर देखने के लिए। किसान भाइयों, आज हम बात करने वाले हैं लिक्विड 13045 एनपीके यानी कि मिश्रण के बारे में। पूरी जानकारी आपको बताएंगे, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। क्या है मिश्रण, क्या है मिश्रण के अंदर कंटेंट, मिश्रण क्या काम करता है, मिश्रण को कब फसलों पर छिड़काव करना चाहिए, मिश्रण को कौन कौन सी फसलों में छिड़काव कर सकते हैं, मिश्रण का क्या है डोज यानी कि मात्रा, मिश्रण को किस किस के साथ मिलाकर छिड़काव कर सकते हैं, क्या है मिश्रण की पैकिंग साइज यानी कि मार्केट में कितनी पैकिंग साइज में आपको आसानी से मिल जाता है, और कीटनाशक दवाइयों का छिड़काव करते हैं तो क्या रखनी है सावधानियां, इन सब पर हम आज बात करेंगे। मेरे प्यारे किसान भाइयों को मेरा नमस्कार। मैं आपका दोस्त गौरीशंकर शर्मा स्वागत करता हूँ आपका अपना यूट्यूब चैनल जी किसान पर। दोस्तों, अगर आप खेती किसानी से जुड़ी जानकारी के लिए हमसे जुड़ना चाहते हैं तो वीडियो के नीचे दिख रहे लाल कलर के सब्सक्राइब के बटन को दबा दीजिए और पास में दिख रही घंटी के आइकन को भी दबा दीजिए, जिससे आपको इसी प्रकार की खेती किसानी से जुड़े नए नए वीडियो समय समय पर आपको मिल सके। तो चलो शुरू करते हैं। मिश्रण गर्डा केमिकल्स लिमिटेड कंपनी का प्रोडक्ट आता है, जिसको मार्केट में किसान भाई मिश्रण या 13045 एनपीके के नाम से जानते हैं। फसलों की अच्छी फुटान, अच्छी बढ़वार व अच्छी पैदावार के लिए किसान भाई मिश्रण या एनपीके का उपयोग अपनी फसलों पर करते हैं। मिश्रण के अंदर कंटेंट की बात करें तो 13045 यानी कि सबसे पहला अंक नाइट्रोजन को दर्शाता है, दूसरा अंक फास्फोरस को दर्शाता है व तीसरा अंक पोटेशियम को दर्शाता है। मेरे कहने का मतलब ये है कि इसमें नाइट्रोजन आता है वो 13%, फास्फोरस आता है उसमें 0% और पोटेशियम आता है उसमें 45%, और इसके अलावा इसमें माइक्रोन्यूट्रिएंट भी आता है। तो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स कौन कौन से होते हैं तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ। MgO यानी कि मैग्नीशियम आता है उसमें 1.2%, बी यानी कि बोरोन आता है 0.5%, Cu यानी कि कॉपर आता है उसमें 0.78%, Fe यानी कि फेरस या आयरन आता है उसमें 0.014%, Zn यानी कि जिंक आता है 0.078%, Mn यानी कि मैग्नीज आता है उसमें 0.078%, Mn यानी कि मोलिब्डेनम आता है 0.00144%। ये सारे कंटेंट लिक्विड फॉर्मूलेशन में कन्वर्ट किए हुए होते हैं। जो लिक्विड गाढ़ा ग्रीन कलर का यानी कि एकदम हरा कलर का द्रव होता है, जिसको पानी में हिलाने पर तुरंत घुल जाता है। किसान भाइयों, एक बात हमेशा ध्यान रखना कि मिश्रण एनपीके यानी कि 13045 का घोल बनाते हैं तो पहले बोतल को सेक विल बी फॉर यूज यानी कि अच्छी तरह से हिलाना है, फिर टैंक में खाली करते समय 50% तो खाली हो जाता है लेकिन 50% पीछे सतह पर या पेंदे पर चिपका रहता है, वो जमी हुई रह जाती है। उसके अंदर थोड़ा सा पानी डालकर हिलाने पर वो सारा लिक्विड बाहर आ जाता है और आसानी से घुल जाता है। किसान भाइयों, खास बात यह है कि मिश्रण के अंदर माइक्रोन्यूट्रिएंट भी मिल जाता है। तो दोस्तों, अब आपके मन में ये सवाल जरूर आया होगा कि आखिर क्या माइक्रोन्यूट्रिएंट्स क्या होता है और पौधों को जरूरत क्यों पड़ती है। इसके बारे में मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा, इसके अंदर आपको बताऊंगा तो वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं आपको इसके लिए अलग से एक वीडियो बना दूंगा। दोस्तों, अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं मिश्रण एनपीके के अंदर जो पोषक तत्व दिए जाते हैं उनका क्या है काम। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं नाइट्रोजन की। तो नाइट्रोजन से प्रोटीन बनती है जो कि जीवद्रव्य का अभिन्न अंग है तथा प्रण हरित के निर्माण में भी भाग लेता है। नाइट्रोजन पौधे की वृद्धि विकास में योगदान इस प्रकार से है, नाइट्रोजन पौधे को हरा भरा और हरा रंग प्रदान करता है और वनस्पतिक वृद्धि को बढ़ाता है। अनाज व चारे वाली फसलों में प्रोटीन की मात्रा को बढ़ाता है, ये दाना बनाने में भी मदद करता है।
फास्फोरस 0% आता है, इसकी मैं बात नहीं करूंगा। पोटेशियम जड़ों को मजबूत बनाता है एवं सूखने से बचाता है। फसल में कीट व रोग प्रतिरोधकता बढ़ाता है। पौधे को गिरने से बचाता है। स्टार्च व शक्कर के संचरण में मदद करता है। पौधे में प्रोटीन निर्माण में मदद करता है। अनाज के दानों में चमक पैदा करता है। फसलों में की गुणवत्ता में वृद्धि करता है। आलू व अन्य सब्जियों में स्वाद में वृद्धि करता है। सब्जियों के पकने के गुण को सुधारता है। मृदा में नाइट्रोजन के दुष्प्रभाव को कम करता है। दोस्तों, अगर आप जानना चाहते हैं कि माइक्रो न्यूट्रिएंट्स का क्या काम है फसलों में, तो उस पर आप कमेंट करेंगे तो मैं उस पर एक वीडियो अलग से बना दूंगा। अभी उस वीडियो की शुरुआत करूंगा तो वो काफी वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं इसका लिए अलग से आपके लिए वीडियो बना दूंगा। दोस्तों, मिश्रण एनपीके का छिड़काव उस समय करना चाहिए जब हमारी फसल हरी भरी या फल फूल बन रहे हैं। वैसे तो आप एनपीके 13045 को फसल के पकने से पहले कभी भी दे सकते हैं, लेकिन जब पौधे की बढ़वार कम हो तब आप एनपीके 13045 को ले सकते हैं। यानी कि सरल भाषा में कहें तो फसलों की बुआई के 30 से 40 दिनों के बाद आप मिश्रण 13045 का छिड़काव कर सकते हैं। मिश्रण लिक्विड एनपीके को आप लगभग सभी प्रकार की फसलों में काम में ले सकते हैं, जैसे कपास, गेहूं, मेथी, जीरा, इसबगोल, चना, सोयाबीन, मूंग, दाना मेथी, कस्तूरी मेथी, सरसों के साथ साथ सब्जी वर्गीय, फूल वर्गीय व फल वर्गीय, लगभग सभी प्रकार की फसलों में, सभी प्रकार की सब्जियों में और सभी प्रकार के जो फ्रूट वर्गीय फसलें हैं उनमें आप काम में ले सकते हैं। दोस्तों, बात करते हैं मिश्रण के डोज की, तो प्रति एकड़ यानी कि आप सबसे पहले बात करते हैं 1 लीटर पानी की, यानी कि प्रति लीटर पानी में आप आधी ml से 1 ml वे प्रति एकड़ यानी कि 150 से 200 लीटर पानी में आप 100 से 200 ml वे 300 से 400 लीटर पानी में आप 500 ml और 15 लीटर पानी में आप 10 से 15 ml लेकर छिड़काव कर सकते हैं। किसान भाइयों, खास बात यह है कि मिश्रण लिक्विड एनपीके 13045 नैनो टेक्नोलॉजी के साथ आता है, जो पौधों को जल्दी से प्राप्त होता है वे तेजी से अपना असर दिखाता है। तो दोस्तों, अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं इसके पैकिंग साइज की। तो मिश्रण का आपको 500 ml के पैकिंग साइज में मार्केट में आपको आसानी से मिल जाता है। तो दोस्तों, मिश्रण लिक्विड एनपीके को आप सामान्यतः उपयोग में लिए जाने वाले इंसेक्टिसाइड यानी कि कीटनाशक, फंगिसाइड यानी कि फफूंदनाशक या टॉनिक के साथ मिलाकर छिड़काव कर सकते हैं। लिक्विड एनपीके को आप चाहे तो ड्रिप इरिगेशन सिस्टम यानी कि बूंद बूंद सिंचाई में भी दे सकते हैं, इरिगेशन सिस्टम यानी कि फव्वारा सिंचाई में दे सकते हैं, या आप सीधा फव्वारा से या स्प्रे कर सकते हैं फसलों पर। किसान भाइयों, मिश्रण लिक्विड एनपीके 13045 का एक छोटा भाई भी है, उसका नाम है मिश्रण एनपीके 05234। अगला वीडियो आप कहेंगे तो उस पर भी बना देंगे। किसान भाइयों, थोड़ी सी बात कर लेते हैं सावधानी की। तो कीटनाशक दवाइयों को बच्चे भी जीव जंतुओं की पवन से दूर रखें। कीटनाशक दवाइयों का छिड़काव उस समय ना करें जब मधुमक्खियां स्वतंत्र रूप से इधर उधर घूम रही हो। कीटनाशक दवाइयों का छिड़काव हमेशा सावधानी से करें। कीटनाशक दवाइयों का छिड़काव भूखे पेट ना करें, यानी कि खाना खाकर ही छिड़काव करें। कीटनाशक दवाइयों को तुरंत नष्ट कर दे या उन्हें जमीन में गाड़ दे। किसान भाइयों, उम्मीद करता हूँ मिश्रण लिक्विड एनपीके 13045 का ये वीडियो देखने के बाद आपके मन में किसी भी प्रकार का कोई सवाल व सुझाव नहीं रहने चाहिए, क्योंकि मैंने आपको लगभग सभी प्रकार की जानकारी आपको बता दी है। फिर भी आपके मन में किसी भी प्रकार का कोई सवाल व सुझाव है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, आपको आपके सवाल का जवाब वहां पर जरूर मिलेगा। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो या इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक व जी किसान यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।
वे अपने दोस्तों और किसान भाइयों को भेजने में मदद जरूर कीजिए। आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसी ही और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, थैंक्स फॉर वॉचिंग।